जो बग्स कॉटन में होते हैं उनमें जो कॉटन की फैमिली है वो मालवेसी फैमिली है। सबसे पहला जो कॉटन में इन्फेक्ट करते हैं वो अमेरिकन बॉलवॉर्म, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, स्पॉटेड बॉलवॉर्म, एरियस विटेला, पिंक बॉलवॉर्म, पेक्टिनोफोरा गॉसिपिली। इसकी वजह से रोस्टेड फ्लावर फ्लावर कॉटन में आ जाते हैं। ये पिंक बॉलवॉर्म आप ऊपर देख सकते हैं, स्पॉटेड बॉलवॉर्म भी देख सकते हैं बीच में जो पिक्चर है, इन स्पॉट्स बने हुए हैं। इसका साइंटिफिक नेम एरियस विटेला, अमेरिकन बॉलवॉर्म, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, यहाँ पर आप राइट में देख सकते हैं। तो और जो कॉटन को इन्फेक्ट करते हैं, सबसे पहले देखिए देखो तीन तरीके के ऑर्डर कॉटन की जो क्रॉप है उसको इन्फेक्ट करते हैं, लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा और पॉलीफेगस इंसेक्ट्स। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का मतलब का होने का मतलब है, लेपिडोप्टेरा में कौन कौन से आते हैं, मॉथ्स और बटरफ्लाइज। तो वॉर्म्स भी आते हैं जैसे पिंक बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म, कॉटन लीफ क्लॉवर, जो कि पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होने का मतलब है कि उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, एग से लार्वा बनेगा। लार्वा जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स के लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं, लार्वा से हमारे पास प्यूपा बनेगा और प्यूपा से हमारे पास एडल्ट बनेगा। तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में बाइटिंग एंड पियर्सिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। ये क्या करता है, पिंक जो बॉल वॉर्म्स होते हैं ये सर्कुलर बॉल्स क्रिएट करता है, पॉड पर अंदर चले जाता है, फ्रूट को इन्फेक्ट करता है। पिंक बॉल वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या था, एरियस विटेला, स्पॉटेड बॉल वॉर्म और कॉटन लीफ रोलर। तो जो लेकिन इनके लिए तो रेजिस्टेंस आ गया, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स हैं उनको रेजिस्ट कर देता है बीटी कॉटन। लेकिन जो आज अगर रिसेंटली अगर हम देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्डर है जो कि कॉटन क्रॉप को इन्फेक्ट कर रहा है वो हेमिप्टेरा है। हेमिप्टेरा में दो आते हैं, वाइट फ्लाइज, टेबेसिया बेमेसी, और रेड कॉटन बग, जिसका रेड कॉटन बग का जो फैमिली है वो पायरोकोराइडी है। हेमिप्टेरा ऑर्डर का होने का मतलब है कि इसमें सकिंग एंड पियर्सिंग मॉथ मॉथ पार्ट्स होंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, एग से निम्प बनेगा, निम्प से एडल्ट बनेगा, डैमेजिंग स्टेज निम्प और एडल्ट होगी वाइट फ्लाई के केस में। और पॉलीफेगस पेस्ट की अगर हम बात करें, जो वो थ्रिप्स है जो कि थ्रिसेनोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, वो थ्रिप्स सकिंग पेस्ट है। मतलब कि थ्रिप्स जो होगा वो क्या करेगा, वो थ्रिप्स जो होंगे वो कॉटन थ्रिप्स क्या करेगा, कॉटन थ्रिप्स क्या करता है, ये हमारे पास जो कॉटन प्लांट है उसमें उसके जो सैप है उसको सक कर देगा और हॉपर सिम्टम क्रिएट करेगा कॉटन में। और अगर हम पॉइंट्स टू रिमेम्बर में देखें, जो लीफ की वेन्स में लीफ हॉपर डाल देता है अपने एग्स को, ये आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिए, तो स्क्रीन शॉट खींच कर आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए जो एफिड है, एफिड भी हेमिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, जेसिड भी हेमिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, और वाइट फ्लाई भी हेमिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करती है। ये तीन है, तीन चीज़ें। जो हेमिप्टेरा ऑर्डर है इसमें सकिंग मॉथ टाइप्स पार्ट होते हैं, जो जैसे सामने बात कर दी, जो लीफ हॉपर्स हेमिप्टेरा ऑर्डर, एमरेस का बाइगुटेला जो हॉपर बर्न कॉज करते हैं, बेमिसिया टेबेसी हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा ऑर्डर लीफ कर्ल डिजीज कॉटन में ट्रांसमिट बाई दिस लीफ कर्ल डिजीज, इससे कॉटन में ट्रांसमिट होती है। तो ये हमने देख लिए मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन थे।